थैंक यू। लाइट छोड़ो ना, ये तुम लोग लाइट छोड़ो ना, लाइट क्यों, लाइट छोड़ो ना, चलो लाइट छोड़ो, अभी बैठ के पीछे आ जाइए। ये अच्छा स्टार्ट मूविंग, बैठ के पीछे आ जाइए। ये अच्छा स्टार्ट मूविंग। सबसे पहले तो तुलसी जी क्या कहना चाहेंगे इस एल्बम के बारे में, एक नया रूप लेकर आ रहा है एल्बम, कुछ एल्बम के बारे में? जिसका नाम है मैनू इश्क दा लग्या रूप, 90s का जो सॉन्ग है फ्रॉम द फिल्म दिल है कि मानता नहीं, उसको रिक्रिएट किया गया है। सब कुछ पहले गाने से, इस गाने में ये चेंज है कि हालांकि रोमांस का जो एसेंस है वो वही है, पर इस गाने में बहुत ज़्यादा मॉडर्न साउंड है और बहुत ही कंटेम्प्रेरी फील है और सेंशियसली रोमांटिक ये गाना अब इस जॉनर में फॉल करेगा। अच्छा, ये जहन में कैसे आया कि ऐसा कोई सॉन्ग रिक्रिएट किया जा सकता है, ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये एक्चुअली माय सिस्टर खुशाली जो इस वीडियो में डेब्यू कर रही हैं, शी इज फीचरिंग इन इट, आई थिंक इट्स हर कॉन्सेप्ट एंड शी कैन रियली ब्रीफ यू वेल ऑन दिस। खुशाली आप बताइए कैसे जहन में आया? एक्चुअली बचपन से ही आई थिंक हर लड़की के करीब रही है ये मूवी दिल है कि मानता नहीं, और मेरी सबसे की फेवरेट मूवी थी। और ये हुआ राखी का दिन था, जिस दिन भाई तुलसी के साथ बस बात कर रहे थे कि उनके माइंड में था कि हम जो पापा की फेवरेट ट्रैक्स हैं हम उसको रिक्रिएट करें, और ये एक फीमेल वर्जन है गाने का, तो उनके माइंड में तुलसी थी और वो बस यही उससे बात कर रहे थे कि ये हम रिक्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा गाना है। तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे पास एक इंस्टेंटली एक आइडिया आया था कि हमें इसके ऊपर हम एक वीडियो बना सकते हैं, और हम ये गाने में एक लड़की के हम डिफरेंट इमोशंस को दिखाएं, कि जैसे प्यार एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही एक अच्छा अनुभव है, एहसास है, और उसमें आप बहुत ही डिफरेंट इमोशंस के थ्रू जाते हैं, आपको बहुत खुशी होती है, फिर आपको बहुत बेचैनी भी होती है और आपको दुख भी होता है, तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें दिखाने की कोशिश की है। और जब ये मैंने आइडिया उनके साथ शेयर किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो इसी तरीके से शुरू हो गया और फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और मैंने वीडियो के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा डिज़ाइन किया, लुक डिज़ाइन की इसके बारे में, और इट स्टार्टेड ऑल फ्रॉम देयर। जैसे कि आपने डिज़ाइन की बात की, हम सभी जानते हैं कि ये मेरे को बचपन से ही काफ़ी शौक था, और मेरे को पापा ने एक्चुअली हम दोनों को पहले सिंगिंग में डाला था, और हमेशा ये बहुत सिंसियरली करती थी और चुपके से मैं बंक करके तो मैं शाली का बहुत ज़्यादा जो रुझान था वो था मिरर के आगे कुछ यू नो फेसेस बना के कुछ कोई चीज़ इनैक्ट करना, और मम्मी की साड़ी लेकर और मेकअप कर कुछ ना कुछ मैं मिमिक करती रहती थी, इनैक्ट करती रहती थी। तो जब पापा ने भी ये देखा तो मैंने एक मूवी की हुई है बचपन में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, वो एक रिलीजियस मूवी थी, पापा के साथ ही की थी, और वहीं से ही मेरे अंदर था कि मेरे को ये करना है, और ये जब अपॉर्चुनिटी आई और ये एक मेरा इतना एक फेवरेट मूवी में से था, सो इट जस्ट हैपेंड, विच वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तुलसी जी, ये जो गाना है ट्रिब्यूट फेवरेट सॉन्ग का गुलशन कुमार जी मेरे पापा का, और आई एम श्योर ये उनकी बनाई गई बहुत ही अच्छी फिल्म दिल है कि मानता नहीं का बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही प्यारा ट्रैक था जो हमने रिक्रिएट किया है, जैसे कि मैंने बताया बहुत मॉडर्न साउंड में। आई थिंक बहुत अच्छा इसको रिस्पांस मिल रहा है, अभी कल ही रिलीज़ हुआ है, सब बहुत अच्छा इसको प्रेज़ कर रहे हैं,
और दे आर रियली लविंग दिस सॉन्ग. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड इट्स अ गुड इनकरेजमेंट कि हमारा ये पहला वीडियो है और मेरा डेब्यू है और जितने भी रिस्पॉन्स और फीडबैक सोशल मीडिया पे सबके कॉमेंट्स और हर एक चीज आ रहे हैं तो इट इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी नाइस इनकरेजमेंट. Your girl, yeah, wanna be your girl. Mainu ishq da lagya rog, mainu ishq da lagya rog. Mere bachne vi nahi ummeed, mujhe kehne lage hain log, mujhe कहने लगे हैं लोग मेरे बचने दी नहीं उम्मीद, मेरे बचने दी नहीं उम्मीद. हमेशा से ये बहुत था कि तुलसी रोमांटिक और इस तरीके के वो गाने गाए और मेरे को याद है जब आशिकी या दिल है कि मानता नहीं ये जो मूवी बन रही थी उस समय वो हमेशा आके मम्मी से इसके बारे में बात करते थे, इसकी डिस्कशंस होती थी और हमेशा वो ये बहुत शर्माती थी रियाज करते वक्त भी, तो वो हमेशा खड़े होके चुपके इसकी पूरी रिहर्सल और सारी रियाज इसका सुनते थे और उनको ये बहुत था कि मतलब बड़े होके ये गाने गाए, तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये कर पा रहे हैं, हम उनकी ड्रीम फुलफिल कर पा रहे हैं. आपने वो कर दिया है मतलब जो चाहते थे उनके हिसाब से, अब कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, आपका लॉन्च हो चुका है गाना, आप सुन रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये पापा की ब्लेसिंग्स हैं कि आप लोग सबका रिएक्शन और हर एक चीज़ बहुत ही पॉजिटिव बहुत अच्छा आया है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है एंड इट्स बीन अ वेरी गुड मोटिवेशन, गुड इंकरेजमेंट टू कीप डूइंग मोर एंड कीप डूइंग बेटर. हाँ जी, हमारे अब जीने का मकसद हर एक चीज़ पापा के लिए ही है और मतलब मैं हूँ या तुलसी है, मेरे भैया हैं, हम लोग सब उन्हीं की ही ड्रीम जी रहे हैं, उन्हीं की ही हम लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं. तुलसी जी, इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो अनुराधा पोडवाल जी ने गाया, तो इस गाना बनाते वक्त उनसे कुछ बात हुई थी इस गाने के बारे में, कुछ इंस्पिरेशन ली थी या फिर कुछ टिप्स ली थी उनसे? एक्चुअली अनुराधा जी इज़ वेरी क्लोज टू माई